नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज के अंदर ये मेरा छठा लेक्चर है और आज मैं दिसंबर 2009 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा? गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था 1908 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। वे लोग मतलब नरमपंथी उन पांवों की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष के बारे में आपको पता होगा, ये गरमपंथी, ये रेडिकल थिंकर है, मतलब ये क्रांति चाहते थे शुरू में, क्योंकि ये मार्क्सिज्म से भी प्रभावित थे। भले ही बाद में इन्होंने मानववाद को अपना लिया था, लेकिन शुरू से लेके ये क्या थे? क्रांतिकारी। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार है, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार था उत्तम जीवन, कि कैसे हम उत्तम जीवन जी सकते हैं या जीवन को कैसे हम उत्तम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही मेलित नहीं है, गलत कौन सा है? सत्य की प्रभुसत्ता बिल्कुल सही बात है, सत्य और अहिंसा गांधी जी बात करते थे। नव मानववाद, जो न्यू ह्यूमनिज्म से जुड़े हैं, वो जुड़े हैं एमन रॉय, ना कि अरविंदो घोष, ठीक है। सी, सर्वहारा की तानाशाही, वी आई लेनिन, बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ पे मार्क्स भी होते तो मार्क्स का भी सही आना था। नव प्रजातंत्र, न्यू डेमोक्रेसी, माओ ज़ेडोंग, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है बी, अरविंद घोष नहीं, यहाँ पे एम एन रॉय होने चाहिए थे। निम्नांकित दार्शनिकों में से कौन मध्य मार्ग को अपनाने के लिए प्रसिद्ध है? मध्य मार्ग गोल्डन मीन भी से बोला जाता है, गोल्डन मीन, यह है अरस्तु का। अब गोल्डन मीन क्या था अरस्तु का? अरस्तु ना तो प्रजातंत्र को बहुत अच्छा मानते थे, ना ही राजतंत्र को, वो उसके बीच की एक स्थिति को बहुत अच्छा मानते थे, जो था पॉलिटी। ना तो वो डेमोक्रेसी को अच्छा मानते थे, ना ही एरिस्टोक्रेसी को, जो उसके बीच का एक रास्ता था वो था पॉलिटी, और पॉलिटी को उन्होंने सर्वोत्तम माना है। एक समय पर देश की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन अपने सभी संदर्भों में कहलाता है। अब यहां पे देखो, एक समय पर बोल रहा है और राजनीति का अध्ययन अपने सभी संदर्भ, यहां पे सभी संदर्भों की बात की जा रही है, ठीक है। तो सभी संदर्भों में अगर आप किसी एक राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उसे बोला जाता है व्यवहारवादी उपागम। तुलनात्मक उपागम क्या होता है? तुलनात्मक उपागम का मतलब है, अगर आप एक समय में किन्हीं दो देशों की तुलना कर रहे हो या किन्हीं दो देशों के राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कर रहे हो, तो तुलनात्मक उपागम कहलाना था। अगर आप एक समय में किसी देश की संरचना, ढांचा, जैसे कि एक देश के कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ एक की, यहाँ पे सभी संदर्भ दिया है इसलिए व्यवहारवादी है। अगर एक संरचना की ही बात हो रही है, ढांचे की, या फिर किसी देश के सरकार की ही बात हो रही है, तो वो आना था यहाँ पे संरचनात्मक उपागम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सीमित सरकार किससे घनिष्ठ संबंध रखती है? दोस्तों, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप देख सकते हो कितने रिपीट होते हैं। तो ये है विधि का शासन, सीमित सरकार है जहां पे विधि का शासन है, सरकार सीमित है विधि के शासन के द्वारा, सरकार विधि से ऊपर नहीं जा सकती है। अवशिष्ट शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था के राज्यों इकाइयों के पास रहती है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियां रहती है यूएसए और स्विट्जरलैंड में, राज्यों के पास, ठीक है। भारत में रहती है सेंटर के पास, ठीक है। यहां पे देखो, भारत भारत तीन जगह दिया है। निम्नांकित में कौन निर्माता सिद्धांतवादी नहीं है? इसमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने थ्योरी नहीं दी है? एजी फ्रैंक ने दी है डिपेंडेंसी थ्योरी। वॉलरिस्टीन ने दी है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और कार्डोसो भी है इंटरनेशनल थिंकर, ठीक है। इंटरनेशनल सिद्धांत से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दी है। एस ई फाइनर क्या है?
एक लेखक है, ठीक है, ये लेखक है, इन्होंने कोई थ्योरी नहीं दी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नांकित में कौन सी नहीं है? संसदीय, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व तो बिल्कुल होता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध भी होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी होता है, लेकिन सरकार का स्थिर कार्यकाल नहीं होता है। सरकार का स्थिर कार्यकाल पाया जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, ना कि संसदीय। संसदीय शासन प्रणाली में हो सकता है कल ही सरकार गिर जाए अगर बहुमत ना रहे उनके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में कौन अतिवादी नहीं था? अब देखो, अतिवादी, रेडिकल, जिसको गर्म दल भी बोला जाता है, तो ये थे लाल पाल बाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल पाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये गरमपंथी नहीं थे, ये उदारवादी थे, ठीक है, ये नरमपंथी थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? अब इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है डी, ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 40 के अंदर दिया गया है, जो कि इंप्लीमेंट किया गया था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नांकित में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती? गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए हाई कोर्ट द्वारा निम्नांकित में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जाती? अब इसमें बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है, गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति के रिहाई के लिए कौन सी जारी, यहां पे नहीं गलती से आ गया है, यहां पे नहीं गलती से आ गया है, यहां पे नहीं नहीं आना चाहिए इसमें, क्योंकि हैबियस कॉर्पस, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है यहां पे, आप इसको देख लीजिए, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार पृच्छा, ये गैर कानूनी तौर पे हवालात में रखे गए व्यक्तियों के लिए नहीं होती है तीनों, लेकिन एक होती है हैबियस कॉर्पस, तो इसमें नहीं, यहां पे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से कौन सा भारत में चुनावी सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनावी सुधारों से संबंधित ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसमें देखो, दिनेश गोस्वामी समिति, ये चुनाव सुधार के लिए ही बनी थी, ठीक है, और उसके बाद है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये भी चुनाव सुधार के लिए बनी थी, लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी आया था ये, जीवी के राव समिति बनी थी 1985 में, और ये बनी थी पंचायती राज से संबंधित, ठीक है, पंचायती राज के लिए, सिफारिशों के लिए, और तारकुंडे तो नेचुरल सी बात है, ये चुनाव सुधार के लिए बनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। भारत को मृदु राज्य किसने कहा, सॉफ्ट स्टेट किसने कहा? अब सॉफ्ट स्टेट होता है जहां पे राज्य के कानून एकदम से लागू नहीं होते, या राज्य अपने कानूनों को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर सकता, उसे बोला जाता है सॉफ्ट स्टेट। तो सॉफ्ट स्टेट का सिद्धांत दिया था गुरनार मेंडल ने एशियन ड्रामा में, एशियन ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नहीं भूलना आपने, गुरनार मेंडल की यह बुक है। भारत के महानियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट की जांच निम्नांकित में से कौन करता है? ये करता है आपका सार्वजनिक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 17, रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य था, रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य था ईरान, ईरान के साथ अगर यहाँ पे इराक भी होता है तो इराक को भी इन्होंने शैतान साम्राज्य कहा है। अब शैतान साम्राज्य का मतलब क्या है कि ये अपना साम्राज्य मतलब गलत तरीके से बढ़ा रहा है, या फिर गलत कामों में ये संलिप्त रहता है, जो गलत कामों में संलिप्त रहता है उसको बोला जाता है शैतान। लीग ऑफ नेशन का मौलिक सिद्धांत था, लीग ऑफ नेशन का ये था सामूहिक सुरक्षा। अब देखो, रक्षा और सुरक्षा में क्या अंतर होता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा,
नहीं तो आप यहाँ पे रक्षा भी तो कर सकते हो, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब होता है एक दूसरे की सुरक्षा करना दूसरों के आक्रमण से, लेकिन रक्षा का मतलब डिफेंड होता है, ठीक है, डिफेंड करना बस अपने आप को। जो राज्य पड़ोसी राज्य को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? अब देखो, औपनिवेशिक सत्ता। औपनिवेशिक सत्ता में क्या होता है, सिर्फ आपके उपनिवेश देश में लगते हैं, उसको आप अपने में नहीं मिलाते, इसमें औपनिवेशिक में सिर्फ अपने उपनिवेश बनाते हैं। उसके बाद है डोमिनियन राज्य। डोमिनियन राज्य भारत भी रहा है 1947 से लेके 1950 तक। तो डोमिनियन राज्य होता है जहां पे आपकी नाम मात्र की सत्ता होती है लेकिन शासन वहां के लोग करते हैं, जैसे कि इंडिया में कर रहे थे, ठीक है। गैरिसन स्टेट। गैरिसन स्टेट, गैरिसन स्टेट का आपने देख लेना क्या होता है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अधिकार राज्य इसका करेक्ट आंसर है, इसे बोला जाता है सुजेरियन स्टेट। सुजेरियन स्टेट जैसे कि आपका तिब्बत, तिब्बत चीन के अधिकार में है लेकिन अपने आप में पूरी तरीके से नहीं मिलाया है, तो आपका तिब्बत क्या है, सुजेरियन स्टेट। इसका मतलब जो राज्य पड़ोसी राज्य को अपने में नहीं मिलाते लेकिन पूरी तरीके से अपने वश में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रिजनर्स डिलेमा वह परिदृश्य है जो किसे बढ़ाता है, प्रिजनर डिलेमा किसे बढ़ाता है। दोस्तों मैंने गेम थ्योरी के ऊपर पूरी वीडियो डाली है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। ये बढ़ाता है शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को। दोस्तों प्रिजनर डिलेमा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दो कैदी दो अलग-अलग जेलों में रखे हैं, ठीक है, और उन्हें एक शर्त दी जाती है कि अगर आप सच बताओगे कि ये अपराध किसने किया, ए को भी और बी को भी, जो उसका मतलब बता देगा कि ये जुर्म हमने किया है तो उसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों कैदी क्या है, लेकिन इसमें एक शर्त दी होती है, अगर ए सही आंसर दे देता है, ए बता देता है कि जुर्म बी ने किया है, तो ए छूट जाएगा और बी को सजा मिल जाएगी। अगर बी बता देता है तो बी छूट जाएगा, ए को सजा हो जाएगी। तो उसमें उनके बीच क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कहीं वो ना बता दे ये ना बता दे। तो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, लोगों को डर रहता है कि कहीं ए कंट्री हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, इसलिए वो शस्त्रों की होड़ में लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा शस्त्र बढ़ाना शुरू कर देते हैं। गैरेट हर्डिसन द्वारा स्पष्ट किया ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे संबंधित है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स 1968 में दिया गया है गैरेट हर्डिसन द्वारा। ये है पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड, और 1968 में यह सिद्धांत दिया गया था। सॉरी, मिनोब्रुक वन सम्मेलन कब हुआ, मिनोब्रुक वन सम्मेलन हुआ है 1968 में, और ये नियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, नव लोक प्रशासन से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे मिनोब्रुक टू होता तो 20 साल बाद हुआ है 1988 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल किसे बोला जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 24, विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नांकित में से कौन है। विकास प्रशासन का मुख्य प्रवक्ता है फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स पे भी मैं वीडियो बना चुका हूं, और विकास प्रशासन में इन्होंने क्या योगदान दिया है आप वहां से देख सकते हैं। वुड्रो विल्सन है क्लासिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर। चेस्टर बर्नार्ड है सिस्टम थ्योरी, और पॉल एपलवी है जनरल आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है। ये करता है पारदर्शी प्रशासन बनाने में हमारी सहायता। और यहां पे देखो आप, कानूनी सुधार करता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। राजनीतिक सुधार के लिए बहुत सारे आयोग बने हैं, समितियां बनी हैं, और सामाजिक अखंडता के लिए कोई भी ऐसा नहीं बन पाया अभी तक। निम्नांकित में से किसने
भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ऑम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की। अब दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर की में दो टाइप के क्वेश्चन, मतलब दो टाइप के आंसर है, तो मैं खुद इसमें कंफ्यूजन में हूँ। पिछले क्वेश्चन की आंसर की में प्रशासनिक सुधार आयोग एक था, और यही होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन इस वाली आंसर की में प्रशासनिक सुधार आयोग दो दिया है, जो कि गलत है। आप प्रशासनिक सुधार एक को ले सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 1971 के अंदर ओम्बुड्समैन की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, तो प्रशासनिक सुधार तो बहुत लेट आया है। कंफ्यूजन क्लियर हो गई यहाँ पे, इसका मतलब है प्रशासनिक सुधार आयोग 1 ने ही ये सुझाव दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 27, प्लेटो। प्लेटो है दार्शनिक राजा, फिलोसफर किंग की बात करते हैं। रॉल्स, रॉल्स ने दिया है निष्पक्षता के रूप में न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस 2001 के अंदर इनकी बुक आई है, इसको भी नहीं आपने भूलना है, कई बार कालक्रम में करने के लिए आ जाता है। बेंथम ने उपयोगितावाद, मार्क्स ने दिया है अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। तो 27 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, इसमें सारे तो मुझे नहीं पता है, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दिया है बैरी बोजान ने, बैरी बुजान ने, यहाँ पे बोजान दिया है, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स दिया है बैरी बुजान ने। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि सिक्योरिटी करना इतना इजी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि एक देश की सिक्योरिटी दूसरे देश की सिक्योरिटी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भूटान भूटान की सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है, भूटान की सिक्योरिटी इंडिया क्यों करेगा? क्योंकि अगर भूटान के ऊपर चीन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो इंडिया के लिए वो खतरा है, क्योंकि कभी भी भूटान से डायरेक्ट आक्रमण कर सकता है चाइना इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिक्योरिटी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, सिक्योरिटी इतनी इजी नहीं है, ठीक है। तो डी का हो गया एक, डी का एक यहां पे सी में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे होगा सी। अगला देख लेते हैं, सिक्योरिटी कम्युनिटी। सिक्योरिटी कम्युनिटी है कार्ल ड्यूश का, इसके ऊपर मैं, कार्ल ड्यूश के ऊपर मैं अभी रिसर्च भी कर रहा हूं, ठीक है। रिसर्च टॉपिक है मेरा साइबरनेटिक्स, ठीक है। साइबरनेटिक्स का पिता बोला जाता है पॉल साइंस के अंदर, मेनली पॉल साइंस के अंदर बोला जाता है कार्ल ड्यूश को। वैसे सिक्योरिटी रिजीम, सिक्योरिटी रिजीम की बात करते हैं रॉबर्ट जर्विस, और क्रिटिकल कम्युनिटी स्टडी की बात करते हैं कैनेथ बूथ। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी सूची एक को सूची दो के साथ आपको मिलाना है। क्लासिकल यथार्थवाद से रिलेटेड है हैंस जे मोर्गेंथो, क्लासिकल रियलिज्म। संरचनात्मक यथार्थवाद, स्ट्रक्चरल रियलिज्म, या इसको नियो रियलिज्म भी बोला जाता है, नियो रियलिज्म से जुड़े हैं कैनेथ वॉल्ज। तो हमारे पास दो यहाँ पे आ गए हैं, ए का होगा तीन, ए का तीन सिर्फ यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है। सी का चार है, सी का नव क्लासिकल यथार्थवाद है स्वेलर, और विवेकपूर्ण विकल्प से जुड़े हैं क्रेसनर। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें सही मेलित नहीं है वो बताना है आपको। डेविड ईस्टन, सबसे पहले यहां पे डेविड ईस्टन दिया है, ठीक है। डेविड ईस्टन उत्तर आधुनिकतावाद से नहीं जुड़े हैं, ठीक है। डेविड ईस्टन उत्तर आधुनिकतावाद से नहीं, ये उत्तर व्यवहारवाद से जुड़े हैं, ठीक है। सी राइट मिल, ओ सॉरी, ये आपको नीचे से देखना है। डेविड ईस्टन, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे सही मेलित का नहीं आना था, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत पूछा है, आपने इसको चेक कर लेना है। डेविड ईस्टन ने बात की है राजनीतिक व्यवस्था की। अब देखो मेलित का इसमें कुछ नहीं, आपको मिलान करना है इसमें,
ठीक है, डेविड ईस्ट ने बात की है राजनीतिक व्यवस्था की, सी राइट मिल ने बात की है राजनीतिक अभिजन की, जीडीएच कॉल ने बात की है गैडस्मासवाद की, और डेरिडा है उत्तर आधुनिकतावाद के चिंतक। तो 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी। तो दोस्तों क्वेश्चन जैसे मर्जी हो, क्वेश्चन में गलतियां हो ही जाती है, जैसा कि ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये सीबीएसई नेट का पेपर है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में इसको चेक करना, 30 का इंग्लिश में चेक करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का हमेशा सही माना जाता है, नॉट मैच्ड प्रॉपरली। तो इंग्लिश में भी ये गलत दिया है, इसके ऊपर पक्का सवाल उठे होंगे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निम्नांकित प्रधानमंत्रियों का सही कालानुक्रम बताइए। दोस्तों इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो वो मैं अपलोड कर लूंगा। इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है, मोरारजी के चरणों में इंदिरा राजीव को मिला विश्व प्रतापी चंद्रशेखर का अटल अटल आशीर्वादम, ठीक है। इस टाइप की अप्रोच मतलब इसके लिए बनाई है मैंने, तो मैं आपको उसको भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होती है 1990 के बाद, ठीक है। तो 31 का मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ए। सबसे पहले आए आपके मोरारजी देसाई 1977 के अंदर, उसके बाद राजीव गांधी बने हैं 1980, उसके बाद बने राजीव गांधी का प्लीज़ आपने चेक कर लेना है, 1980 में बने हैं या 84, आई थिंक 1984 में ये बने हैं। उसके बाद है आपके वीपी सिंह बने हैं 1989 से 90 में, और चंद्रशेखर उसके बाद बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित घटनाओं के घटने का सही कालानुक्रम बताइए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। सबसे पहले क्या होता है, जम्मू एवं कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गिरफ्तारी हुई है, 1950s में ही हुई है ये, और उसके बाद हुई है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में प्रथम विभाजन, उसके बाद है इंडो सोवियत संधि पर हस्ताक्षर 1970s में हुए हैं, और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु सबसे बाद में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। अर्गेंस्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवधारणाएं हैं, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए आर्गेंस की और इनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, राजनीतिक एकीकरण करोगे, सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण होगा देश का, उसके बाद वहां पे औद्योगिकीकरण किया जाएगा, उसके बाद जब आपके पास राष्ट्रीय जन कल्याण आप कर लोगे, उसके बाद आपके पास प्रचुरता रहेगी संसाधनों की। तो 33 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 34, यूरोपियन यूनियन के विकास में निम्नांकित संधियों को कालानुक्रम अनुक्रम में रखिए। ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है ईयू, और ये लैंडमार्क संधियां हैं, इनको आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट निकली है इसमें यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। जो मैस्ट्रिच संधि हुई है आपकी, मैस्ट्रिच संधि हुई है 1993 में, और इसके 3 साल बाद, सॉरी 4 साल बाद हुई है एमस्टर्डम संधि, एमस्टर्डम संधि 1997 में, और नाइस संधि हुई है आपकी 2001 में, और संवैधानिक संधि हुई है 2004 के अंदर, और इसके बाद 2007 में हुई है लिस्बन संधि। तो लिस्बन संधि भी आपने याद रखनी है, 2007 में हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे होगा सी। आधुनिक राज्य व्यवस्था के उद्विकास में निम्नांकित घटनाओं का कालानुक्रम अनुक्रम बताइए। बहुत ही सिंपल है, और लैंडमार्क, ये भी लैंडमार्क संधि है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई है 1648 में, और यहीं से राज्य का उद्भव माना जाता है। राज्य के जो 4 भाग है, प्रभुसत्ता, जनसंख्या,
आपकी टेरिटरी और सरकार इसी में अपनाई गई है। इससे पहले बहुत सारे सिद्धांत थे जैसे कि सप्तांग सिद्धांत वगैरह, सारे सभी को मान्यता थी बराबर, लेकिन ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के बाद चार पार्ट अपनाए गए। वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस हुई है 1815 में, वियना कांग्रेस हुई है 1815 में, और पेरिस की ट्रिटी सबको पता है 1920 में हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रिटी ऑफ यूट्रेक्ट हुई है 1773 के अंदर। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, ए सबसे पहले हुई ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में, उसके बाद ट्रिटी ऑफ यूट्रेक्ट 1773 में, उसके बाद वियना कांग्रेस 1815 में, और सबसे लास्ट में हुई है पेरिस ट्रिटी 1920 के अंदर। हाँ, यहाँ से असर्शन और रीजन के क्वेश्चन शुरू हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 से। जेएस मिल के लिए स्वतंत्रता की सीमा के अंतर्गत चेतना, सोच और भावना की स्वतंत्रता शामिल है। देखो हिंदी में कितना टफ करके पूछा जाता है, ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, जिसका बिल्कुल समर्थन करते हैं जेएस मिल। जेएस मिल बोलते हैं एक व्यक्ति को बिल्कुल खुला छोड़ना चाहिए विचारों के मामले में, किसी दूसरे के विचार उसके ऊपर थोपे नहीं जाने चाहिए, ठीक है, जब तक कि वो ऐच्छिक, अनौपचारिक और नुकसानदेह प्रयोजन के बिना है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे जेएस मिल का एक कोटेशन है, जेएस मिल बोलते हैं इंसान को हाथ घुमाने की पूरी आजादी दी जाए, वो जितना मर्जी हाथ घुमाए, इधर घुमाए उधर घुमाए, लेकिन इंसान की जो हाथ घुमाने की शक्ति वहां खत्म हो जाती है जहां पे दूसरे की नाक आ जाती है। मतलब अगर दूसरों की नाक में उसका हाथ बज रहा है तो वहां पे उसकी वो अधिकार खत्म हो जाता है। तो रीजन देखते हैं, स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था को नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों से निवेदन के बिना उपयोगितावाद के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। अब देखो नैसर्गिक अधिकार होते हैं प्राकृतिक अधिकार, तो यहाँ पे कितना टफ किया गया है, नेचुरल जो आपके राइट होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता की बात की जा रही है। कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पे की जा रही है, विचार और अभिव्यक्ति की। अगर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात यहाँ नीचे की जा रही है तो दोनों ए और आर सही होगा, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है सामाजिक व्यवस्था की, तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी। गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन करता है। बिल्कुल, गांधी जी बोलते थे कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल करो, ठीक है, तो मतलब स्वयं को कष्ट पहुंचाकर सत्याग्रह का समर्थन करते हैं गांधी। सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्रह की नैतिक सर्वोच्चता दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहा है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो सत्याग्रही होता है ना वो अपने आप को कष्ट दिलाता है, लेकिन जो सत्याग्रही नहीं होता है अगर उसको एक थप्पड़ मार देना, गालियां देना शुरू कर देता है, तो वहां पे नैतिक सर्वोच्चता नहीं दिखाई देती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य तंत्र के अभिशासन में मौलिक अधिकारों को मौलिक समझा जाता है और इसलिए उन्हें अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्याय संगत बनाया गया है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत न्याय संगत है हमारे मौलिक अधिकार। नागरिक अधिकारों के महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन्हें मौलिक अधिकार नहीं समझा जा सकता, क्योंकि क्योंकि वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो सिविल राइट है, नागरिक अधिकार है, उसके लिए हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आप सिविल राइट और मौलिक अधिकारों के बीच डिफरेंस आई थिंक भली भांति समझते होंगे। तो यहाँ पे बात की गई है मौलिक अधिकारों की, लेकिन नीचे बात की गई है नागरिक अधिकारों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बी। आमंड द्वारा अपनाया गया व्यवस्था विश्लेषण डेविड स्टन की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधि है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल कॉपी किया है आमंड ने, और आमंड ने बहुत सारे तत्व और जोड़े हैं। आमंड का है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और ईस्टर्न की है सिस्टम अप्रोच, और ये कैसे ज्यादा प्रतिनिधित्व
करता है वो आप मेरी स्ट्रक्चरल फंक्शनल वीडियो के अंदर देख सकते हैं, मैंने उसमें अच्छे से इलेबोरेट इसको किया है। आमंड पहला बड़ा राजनीतिक वैज्ञानिक है जिसने राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्था सिद्धांत का समर्थन किया है। अब यहाँ पे देखो, आमंड पहला व्यक्ति नहीं है, पहला व्यक्ति है डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन से कॉपी किया है इसने, आमंड ने, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, यहाँ पे आर गलत है बिल्कुल, सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, नौकरशाही ने प्रजातंत्र के विकास में योगदान दिया है परंतु वो लोकतंत्रीकरण के रास्ते में भी रुकावट है। बिल्कुल सही बात है, जहां एक ओर नौकरशाही ने प्रजातंत्र में विकास दिया है, दूसरी तरफ नौकरशाही के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं नौकरशाह जो मतलब अड़ जाते हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रजातंत्र को नौकरशाही की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कभी नहीं हो सकता है कि अगर ये लोकतंत्रीकरण के रास्ते में रुकावट है तो नौकरशाही की जरूरत ही नहीं है। नौकरशाही की जरूरत है, तो इसका भी सही आंसर यहाँ पे होगा सी, नौकरशाही की जरूरत हमें है। क्वेश्चन नंबर 42, विठले प्रकार की परिषदें भारत में बनाई गई है। बिल्कुल बनाई गई है, ठीक है। परिषदों को व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने का अधिकार प्राप्त है? नहीं। इसका भी सही आंसर यहाँ पे होगा सी, परिषदों को व्यक्तिगत कर्मचारियों की नहीं, यहाँ पे प्रशासनिक कर्मचारियों की। आपने व्यक्तिगत और प्रशासनिक कर्मचारियों में, विठले प्रकार की परिषदें क्या होती है आपकी, ट्राइब्यूनल कोर्ट, ठीक है। ट्राइब्यूनल कोर्ट देखते हैं आपके प्रशासनिक कर्मचारियों की शिकायतें, ना कि व्यक्तिगत कर्मचारियों की। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, लोकायुक्त सभी राज्यों में अभी तक नियुक्त नहीं किए गए हैं। संविधान की कार्यशैली की का पुनरावलोकन करने के लिए राष्ट्र आयोग ने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 43, इसका आई थिंक डी होगा करेक्ट आंसर। तो डी का मतलब देख लेते हैं, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है ए सत्य आर असत्य है, ए सत्य आर असत्य, ए सत्य आर असत्य। विठले प्रकार की परिषदे, सॉरी, लोकायुक्त समस्त राज्यों में नियुक्त किए जा चुके हैं, सॉरी यहाँ पे मेरी, मुझे लगा यहाँ अभी 28 में है, लेकिन अभी ये 2007 का 2009 का क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम तक सभी राज्यों में नियुक्त की जा चुकी थी, 28 के 28 राज्यों में। अब आप लोगों ने चेक करना है तेलंगाना में भी नियुक्त किया जा चुका है या नहीं किया जा चुका है, उसके आधार पे आप अभी के संदर्भ में कर सकते हो। तो संविधान के पुनरावलोकन के लिए ये जो राष्ट्रीय आयोग ने लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश नहीं की थी, ये सिफारिश की थी पहले प्रशासनिक आयोग ने। ये पहले भी क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, तो पहले प्रशासनिक आयोग ने ओम्बुड्समैन की सिफारिश की थी, ना कि संविधान की पुनरावलोकन की राष्ट्रीय समिति ने। तो इसका सही आंसर डी होगा यहाँ पे, ठीक है, ए सत्य है और आर असत्य है। शक्ति संतुलन विश्व राजनीति में यथापूर्व स्थिति में फलीभूत होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। शक्ति संतुलन क्या होता है, स्टेटस क्यों बनाना चाहता है, यथापूर्व स्थिति को बनाना चाहता है, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है यहाँ पे ये। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य मुख्य अभिनेता या कर्ता होते हैं, बिल्कुल सही है ये भी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्टेट होता है मेन एक्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शक्ति संतुलन का ये किसी भी प्रकार से इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रयास किया है, बिल्कुल भारत ने स्थायी सदस्यता का प्रयास किया है और काफ़ी टाइम से करता आ रहा है। भारत अपने नाभिकीय शस्त्र राज्य दर्जे को भारत अमेरिका नागरिक नाभिकीय समझौता जो कि 2007 में हुआ है, समझौते के जरिए वैध करना चाहता है, बिल्कुल करना चाहता था इंडिया 2007 के अंदर जो ABC परमाणु समझौता हुआ है अमेरिका और भारत के बीच। तो इसका सही आंसर यहाँ पे बी होगा। अगर यहाँ पे भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के बारे में नीचे चर्चा की होती थोड़ी भी,
तो ये बिल्कुल करेक्ट ए होना था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। दोस्तों ये पैराग्राफ हम नहीं करेंगे क्योंकि अब ये नहीं पूछा जाता है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद।